हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी कभी चाय नहीं बेचते थे, बल्कि वह कैंटीन की ठेकेदारी करते थे। गांधी परिवार के करीबी और गुजरात से आने वाले पटेल ने कहा कि मोदी ने कभी चाय नहीं बेची है, बल्कि वह चाय पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने एक खबरिया चैनल से बातचीत में कहा कि राज्य के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मोदी कभी चाय नहीं बेचते थे, बल्कि उनके चाचा को चाय बेचने का ठेका मिला था और मोदी उसी ठेके को चलाते थे। अहमद पटेल ने कहा कि अन्य ठेकेदारों की तरह मोदी भी ठेकेदार थे। उन्होंने मीडिया से मामले की जाँच करने और झूठ को सामने लाने के लिए भी कहा, ताकि मोदी की सच्चाई लोगों को पता चले। नरेंद्र मोदी के चाय वाला होने के अतीत के बारे में शब्द युद्ध को नया रूप देते हुए कांग्रेस ने कहा कि मतदाताओं से जुड़ने के लिए अक्सर अपने अतीत का जिक्र करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कभी चाय वाला नहीं थे, वह एक कैंटीन ठेकेदार थे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने मोदी द्वारा 2014 में किए गए महत्वाकांक्षी प्रचार अभियान चाय पे चर्चा को महज एक चुनावी हथकंडा बताया। चाय वाला एसोसिएशन ने हमें बताया है कि वह कभी भी चाय नहीं बेचते थे, वह कैंटीन ठेकेदार थे। उन्होंने मोदी के गुजरात विकास मॉडल पर भी चुटकी ली और कहा कि यह गुजरात मॉडल नहीं हो सकता है। गुजरात मॉडल महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सिद्धांतों पर आधारित है। कुछ लोगों को दुर्घटनावश सत्ता मिल गई और उन्होंने गांधी, सरदार और भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं के सिद्धांतों को भुला दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वह उनका नेताओं नाम जपना शुरू कर देते हैं। चुनाव आने पर वह खुद को चाय वाला और राम भक्त बना लेते हैं। विकास के मोदी के दावों पर प्रहार करते हुए पटेल ने कहा कि सामाजिक क्षेत्रों में गुजरात फिसअड्डी है। पटेल ने दावा किया गुजरात स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में फिसद्दी है। उनके दुष्प्रचार के अनुसार गुजरात नंबर एक पर है, लेकिन नीचे से जहां तक बात प्राथमिक शिक्षा की है, गुजरात 28वें स्थान पर है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।